रेलवे स्टेशन पर लगातार आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तथा 12 मई से रेलवे द्वारा कुछ यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी केवीएन पांडेन तथा एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्लेटफार्म पर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों की सुविधाओं तथा सुरक्षा का भी जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा कि मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाए गए रोडवेज की बसों की पार्किंग के लिए उचित स्थान मुहैया कराई जाए, जिससे बसें सड़कों पर न खड़ी रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस दौरान एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, ट्रेनी एसडीएम पवन कुमार, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा, क्योंकि सर यहाँ पे बैठने में काफ़ी ना ट्रेन हमें चाहिए भी होती है। कुछ बसें परेड ग्राउंड, कुछ बसें यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो रोड सड़क पर जाते हैं, एक से छः गेट खाली तो पड़ा उसके अंदर थोड़ा सा 500 बस रेगुलरली हम लोग को पूल में दे दिए जगह है राजधानी चालू इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें इस तरफ जाएंगी हमारी चालू हुए वो ज्यादा है गोरखपुर में पर डे 20 ट्रेन प्रस्तावित है। जैसे हम लोग रोक करके साथ साथ उतर वा रहा हूँ श्रम वाले का, केवल सूरत में 220 ट्रेनें इंतजार में हैं लगभग गोरखपुर आने के लिए। हमारे योद्धा यही है, यहीं से करा परेड ग्राउंड पर नेट वाला छूटा है, नेट परेड वाला नहीं तो खराब हो जाएगा, फिर वो सही नहीं बने। रेलवे पूरा खाली खाना वगैरह उनका खाना यार कम्युनिटी किचन से देना हम दे देंगे, आप किसी को लगा दीजिए साथ में बाकी हमें तो उन लोग कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे कोई ना कोई साधन से चालू कराएंगे। आपने चाला भी अभी ऑटो नहीं चलता है, जो पैसेंजर आएंगे एयरपोर्ट के रिश्ते में वो लोग तो जाएंगे तो कितने आएंगे हमारा क्या है, वो जाएंगे ठीक है मान लीजिए दिन के 10 ट्रेन और लोकल उसमें से 500 दिन में 5000 उसके दिन में अगर 1000 गाड़ियों की जरूरत है अगर हमने शहर को बोला तो 5500 ऑटो आ जाएंगे। देखिए हमें करना पड़ेगा, टैक्सी लेने के लिए हमें लगाना पड़ेगा।
बट आ रहे लोग क्या करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा। अभी भी आपसे पूछा जाएगा कल के सर, वो तो नहीं बॉर्डर तक छोड़ेंगे तो हाँ वही मतलब वो कह रहे कि हमको बॉर्डर तक छोड़ दिया जाए, हम चले जाएंगे। वैसे अभी हमने प्रवीण भाई साहब से जा रहे हैं, सिद्धार्थनगर जा रहा हूँ भाई। अरे साहब तो आगे बढ़िया है, बढ़ाना दीजिए ऊपर जाइए। हेलो 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 गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 23 ट्रेनें आ चुकी हैं और इन ट्रेनों में बैठकर लगभग 27,000 यात्री यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर पूर्व की तरह ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा रहे हैं, यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फिर यात्रियों को बसें में बिठाकर उनके गंतव्य पर रवाना किया जा रहा है। हम लोगों का ये भी प्रयास चल रहा है कि यात्रियों को जहाँ तक संभव हो उनको खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध करा दी जाए, यही प्रक्रिया चल रही है। जी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि 12 तारीख से ट्रेनें चलेंगी, लेकिन अभी तक गोरखपुर स्टेशन पर कोई ट्रेन उसमें से रुकेगी या आएगी इस तरह की कोई कन्फर्म सूचना प्राप्त नहीं है।